84.com की तरफ से एक अनुरोध करना चाहूँ। एक मंत्री जी के गुजरात के लड़के के साथ में मेरी एक भावी योजना बनी थी और मैं उस व्यक्ति को लेकर के चीनू बाबा के यहाँ गया था, जिसमें भूषण बाबा ने मुझको उसमें से बाहर कर दिया गया और यजमान को अंदर बैठा लिया गया। वो मेरे को थोड़ी पीड़ा हुई। फिर उस यजमान के साथ में मेरी ये वार्ता हुई। इसमें एक बाबा योजना बन करके और ऑफिसरों को देने की ज़रूरत है, किसी राजनेता का इसमें सहयोग लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक जो यमुना जी की प्रस्तुतिकरण करी गई है वो सिर्फ एक राजनीतिक प्रभाव के कारण करी गई है, इसी कारण इसकी दुर्दशा बनी हुई है। जब एडमिनिस्ट्रेशन किसी प्रपोजल को अपनी स्टेट को या सेंट्रल को देता है तो उस पर राजनीतिकरण नहीं होता है, वो एक ऑफिशियल वर्क होता है। आज कोई इसके पक्ष में, कोई इसके विपक्ष में, कोई पैसा संग्रह कर रहा है, कोई काम कर नहीं रहा है, कोई काम कर रहा है तो वो पैसा संग्रह नहीं कर रहा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए जो आदमी इस यमुना पॉल्यूशन के सॉल्यूशन को हाथ बढ़ाता है वो अपना हाथ पीछे और कर देता है। वो सही बात है और वो यही लगता है, पर वास्तविकता क्या है कि हम सब एकत्र नहीं हो पा रहे हैं, ये सबसे बड़ा दुख है। अब यहाँ में यमुना की कृपा कर सके, मैंने तो एक प्रयास किया था, वो आपका पर प्रयास में मेरे सामने कौन गोस्वामी बालक आके खड़े रहे? नहीं रहे। अब नहीं रहे तो मैं क्या कर सकता? आप क्या कर सकते? मैंने सभी को और मैंने ये वहां तक मैंने कर दिया था कि जो कोई उत्सव के दिन नहीं आवे, आधा दिन लिया मैंने कि जिनके अपने सेवा का भी लाभ हो सके। नहीं तो मतलब ये कोई आज कोई उत्सव आ रहा है तो भैया ये उत्सव आ रहा है, हम कहते हैं छोड़ के आवे, तो ये भी हमने शरद उत्सव के बाद दो दिन छोड़ के और दिवाली के उत्सव के श्रृंगार जो सप्तमी है उससे पहले मैंने बरसाने में मुकाम रखा और वहाँ मैंने ये आयोजन किया। एक रूप से देखो तो बरसाना में यमुना प्रदूषण को कार्यक्रम रखने का कोई औचित्य नहीं है, फिर भी मैंने रखा। मैंने तो ये ब्रज में कहीं भी है, चलो वहाँ तो वहाँ पर भेजे तो हो, फिर भी कोई क्या यमुना जी की इच्छा है? आपकी इस बात को सुनकर के सभी बल्लभ कुल के बालकों को यमुना पॉल्यूशन के मुद्दे पर ध्यान देने की सख्त जरूरत है। और इसके लिए अभी तो यमुना लुट रही है उसको नहीं देख पा रहे, ब्रिज लुट रहा है उसको नहीं देख पा रहे, आगे की स्थिति अगर ऐसी बनी रहती है तो ब्रिज भी 84 कोस में से छोटा हो जाएगा और यमुना जैसे पानी दिखती है ऐसे पानी भी दिखना बंद हो जाएगा। सख्त आवश्यकता है कि यमुना पॉल्यूशन के मुद्दे को ध्यान से और एकत्र होकर के, जो गोपेश बाबा कह रहे हैं बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं कि हमारा आपका सबका एकत्र होना बहुत जरूरी है और उसके लिए हमें सबको आगे आना चाहिए। हमें तो स्पष्ट है हम सब एकत्र होके ही करेंगे तभी हो पाएगा, अलग अलग नहीं बन पाएगा। कोई मतलब ही नहीं है, कोई बन ही नहीं सकता, काम ही नहीं होता है।